स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसु। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, और इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लांट फाइबर एंड दैट इज जूट। ओके बेटा, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉटन के बारे में, तो अब बात आती है जूट। जूट मेनली हम एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं पटसन। ठीक है, इसको पटसन का फाइबर भी बोलते हैं। पटसन के प्लांट से जो फाइबर ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं जूट फाइबर। ओके, और ये मेनली कहाँ से मिलता है? स्टेम से। ठीक है, इसमें कोई फ्रूट नहीं होता या फ्रूट से हमें फाइबर नहीं मिलता, हमें मिलता है उसके स्टेम यानी तने से, तना जो होता है उससे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, बिहार में और आसाम में इसको मेनली ग्रो किया जाता है। ठीक है बेटा, जूट प्लांट्स है, ये रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। कौन सा सीजन में? रेनी सीजन में। अंडरस्टैंड बेटा, रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। ओके, अब बात आती है सबसे पहले होता क्या है। देखिए, जूट प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं और जब वो ग्रो करते हैं उनमें फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, और इनमें क्या है, फ्लावरिंग सीजन शुरू हो गया। ठीक है, तो जब इनमें फ्लावर लगना शुरू होते हैं तो उसी टाइम हम इसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड, जूट प्लांट कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। जैसे इनमें फूल आते हैं और फूल आने के बाद हम क्या करते हैं, इनको काट देते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, लीव सेपरेटेड आफ्टर ड्राइंग, इसको जो है ना खेतों में हम थोड़े थोड़े ऐसे फैला देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। कुछ दिन ये सूखते हैं, सूखने के बाद इनकी जो पत्तियां हैं वो सूख के अलग हो जाती हैं, सिर्फ क्या बचता है, तना और उसकी हल्की हल्की ब्रांचेस। ठीक है, लीव सेपरेटेड आफ्टर ड्राइंग, तो सूखने के बाद पत्तियां अलग हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, प्लांट्स टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जूट के प्लांट है, तो हमें इसका क्या करते हैं, छोटे छोटे बंडल्स बना दिए। ठीक है बेटा, ये बंडल्स बना दिए। ओके, टाई करते हैं इनको बंडल्स की फॉर्म में। जब हमने इनको टाई कर दिया तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो ये है भाई, आपने जूट को ग्रो किया फील्ड में, ग्रो करने के बाद जैसे उनके फ्लावर आना शुरू हुए हमने उनको काट दिया, काटने के बाद हमने उसको खेत में छोड़ा कुछ दिन के लिए, वो सूख गए, लीव्स अलग हो गई, फिर हमने उनको छोटे छोटे बंडल्स में टाई कर दिया। टाई करने के बाद हम क्या करेंगे, रेटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। रेटिंग मतलब होता है, अब हमें क्या करना है, जूट के जो बंडल्स हैं उनको हम स्टैग्नेंट वाटर, मान लीजिए कोई पानी है, पानी का कोई पॉन्ड है, कोई जोहड़ है, कोई तालाब है, ठीक है, या और कोई जगह पे काफी सारा पानी है, तो हम उन बंडल्स को उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फ्यू डेज के लिए, कुछ दिन यानी 15 से 20 दिन के लिए हम उस बंडल्स को पानी के अंदर छोड़ देते हैं। पानी के अंदर छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो स्टेम है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उससे जो फाइबर अटैच है स्टेम से, जो फाइबर उसके चिपका हुआ है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फाइबर्स एक्सट्रैक्टेड होता है, अलग करना, सेपरेटेड फाइबर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेटेड जूट। रेटेड जूट मतलब जो बिल्कुल बुरी तरह से गल गया है, ये कह सकते हो आप, बाई हैंड विद ए जर्क और ए पुल खींच के उसको अलग कर लेते हो। देखो अभी तो मेरे पास कोई एग्जांपल है नहीं, अदरवाइज मैं आपको बताती। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई स्टेम फाइबर है, स्टेम है, और आपको इससे, आपको पता है ना साइड में जो पतली पतली एक लेयर बनी होती है उसको आपको अलग कर रहा है, तो आप उसको पकड़ के खींच लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसके फाइबर जो है वो स्टेम से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिए जाते हैं। इधर क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये है जूट और इसके चारों तरफ जो पतली सी लेयर होती है उसको खींच के हम ऐसे पतली पतली लेयर की सेपरेट करते हैं, और इनसे फिर हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करके और इनको वाइंड करके हम रोप्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग उसको फ्लावरिंग स्टेज में उसको कट किया, फिर हमने कुछ दिन उसको फील्ड में छोड़ दिया, ड्राई किया, ड्राई करने के बाद लीव्स को सेपरेट कर दिया, फिर हमने उसके छोटे छोटे बंडल्स बना दिए, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रेटिंग, उसको पानी में डाल दिया हमने स्टैग्नेंट वाटर में 15 से 20 दिन। ठीक है, इससे क्या हो गया, उनके जो फाइबर्स थे वो सॉफ्ट हो गए, और फिर हमने खींच के जर्क से उसके पुल के साथ उसको सेपरेट कर लिया फाइबर्स को। यूजेस क्या है, तो देखिए गनी बैग्स यानी जो आपके फूड को स्टोर करने के लिए जो बैग्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बोरे वगैरह वो बनाए जाते हैं, पोटैटो सैक्स पोटैटो को स्टोर करने के लिए कारपेट यानी दरी बनाई जाती है, कर्टन यानी पर्दे बनाए जाते हैं, रोप्स यानी रस्सियां बनाई जाती है, और बहुत ही फाइन क्वालिटी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का अगर जूट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो उससे कुछ फैब्रिक्स यानी क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था जूट के बारे में, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ओके, वॉच द वीडियो प्रॉपरली, अंडरस्टैंड द वीडियो एंड प्रिपेयर नोट्स। हैव ए गुड डे।